दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट डाटा इजराइल में है, जहां मात्र 3 से 4 रुपये में 1 GB डाटा मिल जाता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की सबसे ज्यादा वेबसाइट्स .com डोमेन नेम वाली हैं, जो बिजनेस को शो करता है। दूसरे नंबर पर आता है .tk, जो टोकेलाउ से है। टोकेलाउ न्यूजीलैंड का ही एक क्षेत्र है, जो इतना छोटा है कि यूपी में 24,328 टोकेलाउ आराम से आ जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे कम इंटरनेट स्पीड देने वाला देश यमन है, जहाँ औसतन 0.98 MBPS की स्पीड आती है। और दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड देने वाला देश जापान है, जहां पर 319 TB/s स्पीड की टेस्टिंग हुई है, जिससे 1 सेकंड में करीब 57,000 फिल्में डाउनलोड की जा सकती हैं। फैक्ट नंबर 4, इंटरनेट की कहानी बड़ी मजेदार है। इसकी शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई थी। 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी, जिसने पूरी दुनिया को बदलने की एक राह दिखा दी। इस दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मैनमेड यानी इंसानों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट लॉन्च किया था। दुनिया के पहले सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था। ये खबर काफी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका को इस खबर से काफी हैरानी हुई, क्योंकि अमेरिका भी काफी टाइम से दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सोवियत संघ ने उससे पहले ये कर दिखाया। इस वजह से दोनों देशों के बीच थोड़ी नोकझोंक शुरू हो गई और इन दोनों देशों के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जिससे इंटरनेट का विकास हुआ। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो इंटरनेट को बनाने में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा, मगर इंटरनेट का जनक विंडसर्फ को कहा जाता है। उस समय सभी वैज्ञानिकों का अपना अपना बहुत बड़ा रोल रहा। जैसे टिम बर्नर्स-ली ने www यानी कि डोमेन नेम को बनाया, जिससे हम किसी भी वेबसाइट को आसानी से देख सकते हैं।